अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो कल वीडियो नहीं आई, मतलब ईद के सेकंड दिन वीडियो नहीं आई, उसकी वजह ये थी बस। अब मैंने फर्स्ट दिन अपलोड करनी थी और फिर इतना थक गया था, नींद भी आई हुई थी, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में हम सब की, लाइक मेरी आपकी हम सब की रूटीन चेंज हो जाती है। तो फिर नॉर्मल डेज़ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और फिर हमारी जो ईद है गाइस वो सो के गुज़रती है। तो जो हमारी सस्ती शायरी होने वाली है आज, वो भी इसी बात के ऊपर होने वाली है कि जो हमारी ईद गुजरती है सो के। तो अगर आपकी इजाज़त हो पब्लिक, तो हम आपको सस्ती शायरी नहीं होता, मेरे मुंह से शायरी निकलने वाला था। अगर आपकी इजाज़त हो गाइस, तो हम आपको सस्ती शायरी सुनाना चाहेंगे। अर्ज़ किया है गाइस, 5 बार वाह 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 करना है, ओके, याद है ना आपको? अर्ज़ किया है कि दाग निकलता है धोखे, वाह 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 वाह। दाग निकलता है धोखे, हमने ईद गुजारी सोके, सस्ती शरी विद द एनोनिमस बाबा जी। अब आपको पता है मैं वो नहीं बोलता कि ख़राब शायरी उल्टी सीधी शायरी, पता है मेरे को कमेंट्स आते थे भाई आपने दिल ही तोड़ दिया ख़राब शायरी बोल के, सस्ती शायरी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी हंसी आती है, तो ख़राब शायरी उल्टी शायरी ऐसी अजीब वो नहीं बोला करो। तो फिर मैं बोलना है छोड़ दिया, हम आपकी सुनते हैं पब्लिक, आप हमारी सुनते हो, हम आपकी सुनते हैं, बस यही तो हमारा प्यार है। तो गाइस आज मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, क्योंकि FPP खेल खेल के इतना दिमाग घुमा हुआ है, सर दर्द करता है FPP में भाई। और ऐसे ऐसे कैंपर मिलते हैं, TPP में आप कैंपर को ढूंढ भी सकते हो, FPP में भाई ऐसे ख़तरनाक ख़तरनाक कैंपर, अल्लाह माफ़ करे। तो गाइस हम जा रहे थे कराची यानी इनोवो, और साथ में कोई भी नहीं आ रहा था, मैं अच्छी तरह देखा आगे पीछे के शायद से कोई आ रहा हो बाबा जी, लेकिन इनोवो कोई नहीं आ रहा था। गाइस इनोवो भी आना कम हो गए बंदे, और पोचिंग की भी जाना कम होगा, इसकी वजह मुझे नहीं पता। आप लोगों को इसकी वजह पता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना पब्लिक, और अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो सब के सब लाइक बटन दबा दो, अपने चाचू मामू अंकल सबकी आईडी से कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे बहुत जल्दी होने वाले हैं पब्लिक 7 लाख की फैमिली कम्प्लीट, तो इंशाल्लाह हम वो जल्दी कर लेंगे। कंटेनर्स के ऊपर आएगा, पूरा नोवो तो नहीं लूटा मैंने यहाँ पर क्योंकि इतना टाइम नहीं था, और जब आप गेम प्ले के लिए खेल रहे होते हो तो आपको चाहिए होते हैं किल्स। तो चलो गाइस तुक्का लगाओ, किल्स हमारे 15 से ज़्यादा थे, तो सब के सब तुक्का लगाओ हमारे किल कितने होने वाले हैं बिना देखे। चीटिंग नहीं है एनोनिमस की पब्लिक, चीटिंग नहीं चलेगी, तुक्का लगाना सब के सब के किल कितने होने वाले हैं। तो देखते हैं, 15 से ज़्यादा हैं, 25 से कम है, मैंने आपको हिंट दे दी। चलो फिर गाइस हमें अपनी छिपकली उठाई, और उठा के हम लोग रश करेंगे मिलिट्री बेस, और वहाँ पर जो मैं तो बोल रहा हूँ भाई आधा सर्वर वहाँ आया हुआ था गाइस, क्योंकि मैं इतना लेट जा रहा हूँ ठीक है, और वहाँ पे जाके मुझे इतने किल्स मिलेंगे ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्रेट्स पड़ी होंगी ना, लाइक पूरा का पूरा सर्वर ही जैसे मिलिट्री बेस में आ गया था। छिपकली ले के जालियों के नीचे से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ हमारी छिपकली जाना वो गाइस ये देखो, ओए होए होए होए, जब ऐसी बगी उल्टी होने वाली हो ना जंप कर दो गाइस, वरना आपकी क्रेट बन जाएगी बगी के साथ ही। तो ये बगी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और आजकल एक और वो हो गया सीन के बाइक से गिर के भी हेल चली जाती है, लाइक आप बाइक चला रहे हो खुद ठुक गई बाइक, अपनी गलती से बाइक ठुक गई ना तब भी आपकी हल जाएगी। तो ये काफ़ी अजीब अपडेट कर दिया इन्होंने। सामने गैस फैक्ट्री वाली साइड पे 2 स्क्वाड लड़ रहे थे, जिसमें से 1 स्क्वाड है अरबियों का और दूसरा स्क्वाड जो है वो है पाकिस्तानी स्क्वाड। तो अभी मैं एकदम से गलत जगह रुक गया था, और मुझे पता था मेरी बगी की हेल्थ भी चली गई होगी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, बस दुआ करते करते कि अल्लाह पाक मुझे बचा लेना, राइट से भाग के फैक्ट्री के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आके जो हमें मिलेंगे अरबी और जो हमें मिलेंगे पाकिस्तानी भाई हमारे, मतलब ओके हेलमेट गिर गया था। तो यहाँ ज़िंदगी गाइस हमारी आने वाली है ख़तरे में, बट बाबा जी ये हमारे भाई जो ये अरबियों से भाग रहे थे और ये हमारे हाथ से चढ़ गए, इनको हमने नॉक किया, इनको कंफर्म करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा किल चोरी हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा अरबी स्क्वाड है, हम पे कर देगा रश गाइस। साउंड आ रहा था अपनी ज़िंदगी भी, जितना ज़्यादा साउंड आ रहा था उतनी ज़्यादा ज़िंदगी खतरे में आ रही थी। उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, बाबा जी तो गाइस हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। अब आप सबके सब लाइक बटन दबा दो, अगर लाइक कर दिया था तो कमेंट कर देना, कमेंट भी कर दिया था तो आपको करना पड़ेगा शेयर। बाबा जी क्या निकाला अरबी भैया बोले होंगे, अरे द पाकिस्तानी इज वेरी लेटिंग लेटिंग इन जमीन हाज हबीबी मारिंग गलत गलत। तो फिर हमने गाइस केडी ज़्यादा करने के लिए अपने बाबू भैया बॉट भैया को मारा, फिर हम बैंडेज वैंडेज लगाएंगे,
और मज़े के बाद इतने ज़्यादा बंदे होंगे गाइज कि यहाँ पे हीलिंग हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, और अभी भी यहाँ पे स्क्वाड रहते हैं लाइक 2 से 3 टीम्स। हे मेरे को एडिटिंग करते हुए नींद क्यों आ जाती है, बोलना ज़्यादा पड़ता है ना तो फिर वो नींद आने लग जाती है मेरे को। यस, तो 2 से 3 स्क्वाड गाइज अभी भी यहाँ पे बाकी हैं, सबकी क्रेडिट देख रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें अच्छी बात मिल जाती है, पिचकारी यानी फ्लेयर गन, और फिर हम इनकी लूट अच्छे से करेंगे और फिर बाकी स्क्वाड से पंगे लेने की कोशिश करेंगे, देखते अपनी ज़िंदगी खतरे में ना आ जाए बस। तो गैस काफ़ी ज़्यादा लूट थी मेरे पास, बट जो हीलिंग्स थी वो मेरे पास ना होने के बराबर हैं, और इसकी वजह से हमें थोड़ी सी अभी लाइक नुकसान, दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा अनोनिमस की पब्लिक। आज मैं मगरिब के बाद एडिटिंग कर रहा हूँ, तो अगर शोर आए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा बैकग्राउंड में अगर कोई शोर हो तो। यहाँ पर गैस मैं, लेकिन एक बंदा, एक मामा हीरदा अपना पिछवाड़ा आसमान की तरफ करके, सॉरी पिछवाड़ा नहीं बोला, अपने बम को आसमान की तरफ करके उल्टा लेट के धूप लगवा रहा है अपने बम के ऊपर, और वहाँ से पट 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 स्नेक बन के हमें मार रहा है। जब उसने ये शॉट मारा मैं समझ गया भाई के पास कोई शिक्षक है तो पंगा नहीं लेना चाहिए, और फिर मैं देखा मेरे पास हीलिंग भी नहीं है। अच्छा गाइस मज़े की बात, मुझे यहाँ जाके पता चला था मैच में कि मेरे पास हीलिंग नहीं है। नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब क्या, तो मतलब मैं बैग पे फोकस नहीं करता, जब गेम प्ले खेल रहा होता ना गाइस, मेरे मुझे लूट पे इतना फोकस नहीं होता, बस ये होता कि किल निकालूं, बस यही चल रहा होता माइंड में। गाइस उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ सामने भी बंदे थे तो मेरे पास जितने नेट थे मैं इस भाई साहब के ऊपर कर देता हूँ, लेकिन भाई साहब का लक इतना अच्छा था कि भाई साहब नेट से नहीं फटते, और अलग से साउंड भी जब मैं आगे जाता हूँ भाई यहाँ से मुझे आ जाता है, मतलब जहाँ मैं था ना गाइस सेमेंट्री में, वहाँ से मुझे आ जाता साउंड, और फिर ये भाई भी पीछे से मार देते हैं। अब मैं यहाँ पे जो दो लोग मतलब दो अलग अलग साइड से फंस चुका था, मुझे नहीं पता ये टीम थी या नहीं थी, लेकिन वो तो आप आगे जाके देख लोगे, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ज़िंदगी है ना वो थोड़ी सी खतरे में आ गई थी। तो मैं भागा गया इस पीछे की तरफ, और मुझे था पहले एक साइड से क्लियर करता हूँ, सेमेंट्री वालों से फाइट लेंगे, इनको क्लियर करेंगे, उसके बाद जो टावर वाला बंदा है उसको देखेंगे। यहाँ पर आ जाता हूँ, उसके बाद कुछ ऐसा होता है गाइस, तो बाबा जी एक और बार हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए, लेकिन अभी मज़ा नहीं आया। अभी आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बोलना है टक, ओके। पहले यहाँ पे बिलाल भैया हमारे आएंगे, उनको मार लें, फिर साथ में बोलते हैं गाइज अनोनिमस की पब्लिक, साथ में बोलेंगे, नहीं अनोनिमस की पब्लिक नहीं, दिल से अनोनिमस की पब्लिक, यस ये ठीक है। फिर बूस्टर्स मिल गए थे गाइज, बूस्टर मारे, और हम बिलाल भैया यूएमपी उठा के आ रहे थे, किंग बिलाल भैया, इनको यहाँ पे फिनिश किया, और अब हम बोलेंगे गाइस मौत को छू के टक की आवाज़ निकालनी है, और फिर बोलना टक से वापस आ गए, ओके साथ में बोलते हैं 1 2 3, मौत को छुआ और टक से वापस आ गए बाबा जे। मौत को छू के बोलना था, मैंने मौत को छुआ बोल दिया और सबके साथ प्रैंक हो गया, ये हंस लो प्रैंक हो गया आपके साथ। तो गाइस मैंने स्मोक फेंका और इनकी क्रेट्स लूटने का टाइम है, फाइनली हमें अब एक अच्छी खासी हीलिंग्स जो है वो मिल जाएंगी, और फिर थोड़ा जान में जाना है कि चलो हीलिंग तो है, लेवल 3 की वेस्ट वगैरह मिल गई, लूट करना मजाक बाबा जी। चलो लूट का लॉ आपको याद नहीं है, ये हम दो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इज कॉल्ड लॉ ऑफ अनोनिमस, नहीं इज कॉल्ड लूट का नो मजाक। यस मेरे से ही भूल जाता, मैं ही भूल जाता हूँ मेरे डायलॉग्स। व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इज कॉल्ड लूट का नो मजाक, यस ये नंबर 1 लॉ ऑफ एनोनिमस है। नंबर 2 हम लोग जल्दी निकालेंगे अपनी सस्ती इंग्लिश के साथ। फिर हम यहाँ पर आ गए थे गाइस जोन के मिडिल में, मैं चाहता था कि हमारी पिचकारी पे हमारी फ्लेयर पे रश हो और हमें थोड़ी और किल्स मिले, तो हमने अपनी पिचकारी अपनी फ्लेयर गन रीलोड की, आसमान की तरफ चलाई, और अब पब्लिक आपको करना है गैस के डब्बे में क्या आएगा। तो कमेंट कुछ इस तरह से कीजिएगा कि ड्रॉप में ये मतलब दोनों गन्स के नाम आएंगी, और मैं चैलेंज करता हूँ 90% लोग गलत आंसर करेंगे, और प्लीज़ नो चीटिंग अनोनिमस की पब्लिक, कोई चीटिंग नहीं चलेगी, कोई भी बंदा देख कर कॉमेंट ना करे, देखते हैं किसका तुक्का ठीक लगता है, तुक्का ठीक लगता है तो फिर मज़ा भी आता ना, और आप सब लोग वीडियो देखने के साथ साथ कॉमेंट रीड करना, जिसका आंसर ठीक हो उसको लाइक दे देना कॉमेंट्स को, हमारा भाई खुश हो जाएगा। तो गैस उसके बाद जम करके हम लोग जाएंगे अब ड्रॉप की तरफ, और कमेंट्स रीड करके लाइक वगैरह कर दिया करो कि सामने वाला थोड़ा सा खुश हो जाए, आपके लाइक से जिस तरह मैं खुश होता हूँ आपके कमेंट्स वाले लाइक से वो बंदा भी खुश हो जाएगा जो कमेंट करेगा। तो आपस में एक दूसरे के कमेंट्स रीड किया करो और उनको रिप्लाई भी किया करो, आपस में बातें किया करो कमेंट्स में भी, तो जब मज़ा आएगा आप लोगों को बहुत सारा।
तो खैर उसके बाद अब जिसका तुक्का ठीक था भाई वो तो हो गया का खुश, ड्रॉप में आई थी MK-14 और DBS, वो शॉट गन जिसको फ़िलहाल कोई चलाना पसंद नहीं करता, बहुत कम लोग चलाते हैं, और लाइक मुझे तो नहीं पसंद आई, पता नहीं क्यों, बट मैं यूज़ की, मैं मुझसे नहीं चल रही थी तो शायद इसलिए पसंद नहीं आई, जब चलाना आ जाएगी तो पसंद भी आ जाएगी। लेकिन गाइस अभी आप एक फ़नी सीन देखोगे, हम जाएंगे ब्रिज पर रश करने और एक हमारे भाई जो है वो ट्रक के अंदर मज़े से अपने बम को ऊपर करके धूप में, अपने बम के ऊपर सूरज की धूप लगा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी और अभी हम अंदर जाके देखेंगे। गाइस देखो गन पीछे रख दी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। ओए होए 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 सर जी, फिर हम जाके अपने लाडी भैया को यहाँ पे नॉक किया और करेंगे इनको फिनिश, नहीं करेंगे फिनिश, बल्कि मैं फिनिश नहीं कर रहा था, मैं वेट कर रहा था कि मेरे भाई के टीममेट्स आएँ और फिर हमें एक से ज़्यादा किल मिले। हम यहाँ कर रहे थे अकल इस्तेमाल, बट मुझे क्या पता था कि भाई को, भाई के टीममेट्स उसको बचाने नहीं आने वाले, और भाई के पिछवाड़े पे गए, सॉरी पिछवा, ओके, भाई के बम पे दुम निकली हुई है, भाई बने हुए हैं फॉक्सी, ओके दुम पे कोई शायरी होनी चाहिए, हाँ शायद अफरीदी को कहते हैं बुम बुम, और भाई के पिछवाड़े पे निकली हुई है दुम, उल्टी सीधी शायरी हुई था ना बस, तो अजीब लग रही है गाइस, है ना, कितना अजीब लग रहा है वो बम के ऊपर दुम निकल रखी है, वाह भाई वाह, नहीं मतलब क्या। फिर हमने भाई को चुम्मी दे दी, और लेकिन बस अपने पाकिस्तानियों के लिए एक अलग रिस्पेक्ट होती है ना, तो बस ऐसे चुम्मी दे दी भाई को, टीज़ करने के लिए नहीं थी, बट हाँ ऐसे मैंने टीज़ करना होता पैन से मारता, मुक्को से मारता नहीं, ऐसे बस प्यार आ रहा था, थोड़ा सा बुरा भी लगता है जब किसी पाकिस्तानी को मारते ना, थोड़ा सा बुरा लगता है, तो मैं भाई को चुम्मी दे दी और फिर भाई खुद ही ब्लीट आउट हो जाएंगे, भाई हम पे हमारे ऊपर ना लाइक हम पे हमें गन्स वगैरह और अटैचमेंट वगैरह, और भाई के पास GMP थी, बस ज़्यादा अच्छी लूट तो नहीं थी, बट भाई इस ड्रीम देख रहे होंगे कि जैसे ही कोई आएगा हम उसको मारेंगे, बट भाई सब की रैंक हो गया, तो भाई यहाँ पे चीज़ें गिराते हैं और भाई हमारे थोड़ी देर में हो जाएंगे फिनिश। और इनके पास से अच्छी चीज़ जो हमें मिली थी वो था M416 का स्टॉक, मतलब स्टॉक, और वो हम उठा लेंगे, फिर भाई की क्रेट चेक करेंगे। और उसके बाद आई गेस इन्हीं के टीममेट आएंगे और जम करने लग जाएंगे पीछे, और मुझे डर लग रहा था कि दोबारा से मेरी बैंड ना बज जाए, बट भाई ने हमें नहीं मारा, और फिर हम भाई को बोलेंगे भाई फिलहाल गन गिरा दो आप, और जब ब्रिज से जाएंगे ना फिर उठा लेना, बंदे आए तो उठा लेना, अभी के लिए गिरा दो। तो मैंने ऐसे भाई को बोला गन गिरा दो, हमने फिर लेट के थोड़ी बातें वातें की यहाँ पे, वेट किया जोन में बंदे आ जाएँ, बट कोई आया नहीं था, गाड़ी आई थी गैस बट वो लोग आ नहीं रहे थे, फिर हम लोग को लाइक टाइम वेस्ट नहीं करना था यहाँ पे, हमने कहा भाई ठीक है बेचारे रैंक माइनस के लिए डर रहे होंगे, आए नहीं रहे, तो हम उनको छोड़ के चले जाते हैं, भाई अगर इतनी हीलिंग है तो आ जाओ, आपका रैंक थोड़ा सा और बच जाएगा। फिर हम अपनी गाड़ी यहाँ से निकालते हैं गाइस, और जोन के मिडल में जो कंपाउंड है हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा एक अलग से पाकिस्तानी स्क्वाड कर रहा होगा हमारा इंतजार, बाबा जी ड्रॉप में से धुआं निकल रहा था, हमारा सरकारी डब्बा वहाँ पे पड़ा था, और ड्रॉप ना पान बड़ा खाता है गाइस, ये पान वाला धुआं निकाल रहा है, लोग लाइक ओके नहीं, फिर वो थोड़ा थोड़ा ई वाला हो जाएगा, चलो बोल ही देते हैं, लोग पान थूकते हैं, ये भाई अपने बम से पान का स्मोक निकाल रहे हैं, मतलब भाई हमारे ये ड्रॉप भैया। और फिर गाइस हम लोग जाते हैं आगे जो मिडिल में कंपाउंड, तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्वाड पाकिस्तानी हमारा वेट कर रहा होगा। अपनी गाड़ी मैंने गाइस रोकी यहाँ पे, थोड़ा सा लैग हुआ था आपने देखा यहाँ पे, बट रिकॉर्डिंग में लैग उतना नहीं होता गाइस जितना रियल में हो रहा होता है, रिकॉर्डिंग में इतना शो नहीं कर रहा होता, तो मैं यहाँ पे जम करके देखने लगा, और ये रिज मुझे पता, मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ रैंक पुश भी करता हूँ, तो ये वाली साइड पे आता हूँ मैं, तो रिज का मुझे इल्म है, ये भाई तो पक्का जो है ना पक्का रैंक पुश कर रहा था बेचारा, बोट लगा के उसी के पास बैठ के वेट कर रहा था, तो अपने भाई को किया फिनिश। अब मैं जम करके बंदे स्पॉट करते, ये भाई नजर आया मुझे यहाँ पे, मिस कर दिया मैंने, और फिर बिल्कुल देखो गाइस घास के अंदर से मारा ताकि भाई मुझ पर एम ना कर पाए, और इनका स्क्वाड जो वो लेफ्ट में एकदम वेट कर रहा है मेरा, ज़िंदगी काफ़ी ख़तरे में आ गई थी बाबा जी, लेकिन हमने मौत को छुआ टक से वापस आकर अकल इस्तेमाल करते हुए, तो इसीलिए हम कहते हैं कि टेंशन ना लिया करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़ा जो होता है ना नाड़ा, रंगीन भी होता है, कलर वाला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, धागे निकले होते हैं वो वाला नाड़ा, वो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, नाड़ा होता है कच्चे के लिए, वैसे नाड़ा शलवार के लिए भी होता है, नाड़ा काफ़ी चीज़ों के लिए होता है, लेकिन हम सिर्फ बोलते हैं नाड़ा कच्चे के लिए होता है, तो मैं काफ़ी अजीब बातें कर रहा हूँ जाने दो। गैस ऑग चली थी सामने और यहाँ पे बंदा था, तो सिर्फ दो बंदे रह गए थे क्योंकि एक तो हमारा भाई है और एक मैं हूँ, तो मतलब दो बंदे और बचते हैं, तो अब ऑग चली थी तो मैंने उसकी तरफ किया रश, ऑग वाले भैया को स्पॉट करते हैं और उसकी बैंड बजाने की कोशिश करते हैं, बस हमारे बम पे गोलियाँ ना पड़ जाएँ।
तो गैस भाई को फिनिश करने के बाद अब जंप वम करके मैं और स्पॉट करने की ट्राई करता है, शायद से आखिरी बंदा सांप नज़र आ जाए, बट नज़र नहीं आया। उसके बाद हमने फैसला किया हम अपनी मेहरान गड्डी उठाएंगे और भाई को साथ बिठा के बंदा ढूंढेंगे। तो थोड़ा सा दूर जाने के बाद बंदा नज़र आया था, बल्कि भाई को ही आया था। भाई ने बोला, भाई ये रहा एनिमी। तो थोड़ा सा आगे जाके पानी के पास बेचारा शायद रैंक पुश कर रहा, तो काफ़ी सेफ खेल रहा था, पानी के पास बैठा था। और ये भी हमारे पाकिस्तानी भैया थे, तो अब यहाँ पे मैं इनको स्पॉट लाइक मैं तो नहीं करता, बट हमारे भाई करते हैं। लेकिन किल बाबा जी हम ले जाएंगे, क्योंकि किल का लूट का नो मजाक। तो हमने किल ले लिया यहाँ पे बाबा जी। उसके बाद हमारे भाई बचे थे और हम बचे थे, और अब हम चिकन तो ले नहीं सकते। तो हमने अपने भैया को बोला, भैया ये ले नहीं रहे थे कि भाई मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। मैंने बोला, भाई देखो ईद है, चिकन डिनर मेरी तरफ से आपको ईदी होगी, तो प्लीज़ ले लीजिए। फिर भाई ने बड़ी मुश्किल से माना, और फिर भाई ने हमें मार दिया, और भाई को हम मिल गया विनर, विनर चिकन डिनर। लॉट्स ऑफ लव फॉर भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारे एनिमी भाई। मेरी तरफ से और सारी अनोनिमस की पब्लिक की तरफ से आपको ईद मुबारक। फिर गाइस हम आ गए अपने टीडीएम में, और टीडीएम में जो है वो काफ़ी दंगा फसाद होने वाला है, काफ़ी लड़ाई होने वाली है। और भागते भागते हम अपना बम जो है ज़मीन में घिसेंगे साफ़ करने के लिए। आए गाइस, पता नहीं अभी तक तो नहीं घिसा मैंने, और शायद हम अपना बम ज़मीन पर घिसने वाले हैं। यस घिसा, पसीना साफ़ हो गया, ये लेवल थी कि वेस्ट उठाई, जैसे आज हम तबाही मचाएंगे। और आज हम तबाही मचाने के लिए आगे गए, ये मचा दी हमने तबाही। ये ओजी वाले मुंह पे मास्क पहन रखा है, कैसा जैसे घास मल रखी होती है मुंह पे, वैसा वाला मास्क है। ये अजीब सा मास्क है, बट मेरे को तो नहीं अच्छा लगता, बट आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। अरे सर जी पीक ले रहे हैं ख़तरनाक वाली, आइए सर जी। गए सर जी हमारे जम करके बंदा स्पॉट करने का ट्राई किया, हमारे सर जी आ रहे हैं एक और, और इनका किल हमें मिलेगा क्या? यस मिल गया, नाइस नाइस नाइस। तीन किल हमारे हो चुके हैं, हम पांच किल टीम के, एक किल हमारी एनिमीज का। और ये भैया आए पीले नहीं ऑरेंज कच्छे वाले आए, नेड कर रहे हैं, नेड कर रहे हैं हाथ टेढ़े मेढ़े करके। और फिर हमारे ओ येलो वाले भैया गए, दूसरे भैया जोश में आ रहे हैं, दो वो भी गए पीछे भाग लिया मैं, और फिर ये भी गए, फिर मैं पीछे भागूंगा। ओके नहीं भागा, ये मरना चाहिए था भाई, इनको बहुत डैमेज हुआ था गाइस। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा प्री फायर दे रहे थे देखो, लेकिन बंदा वहाँ आता नहीं, हमारी बेइज्जती सी हो जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हुए गाइस 15 किल हमारे, 8 किल मेरे और 7 किल हमारी एनिमीज के। तो ये उजी वाले भैया को मैं मारने का ट्राई करते हैं, इनके हाथ पे गोलियां लगी बट बच गए। फिर हमने अपने ऑरेंज कच्चे वाले जिन्होंने अपने बम पे ऑरेंज कच्चा बांध रखे उनको मारने का ट्राई किया और मार दिया। 17 किल गाइस हमारे, 9 किल मेरे हो चुके हैं, अभी नहीं हुए। ओके अब हो जाएंगे शायद से, मरूँ ना बस। ओ ओ ओ ओ नहीं मतलब क्या, नहीं सर मजाक हो रही है, नहीं सर गाइस यहाँ पे इस तरह मुझे टीडीएम में लेट के मारने का जो मज़ा आता है ना गाइस, ऐसा एनिमीज को पता भी नहीं होता कि बंदा आगे लेटा होगा, मेरे को बड़ा मज़ा आती है। अभी काफ़ी हेल्थ कम हो चुकी थी, हम वापस से पीछे भाग जाते हैं। अच्छा मुझे बताना गाइस, आप भी ऐसे लेट के एनिमीज को मारते हो, लाइक अचानक से उनको पता नहीं चले आप लेटे हो वहाँ पे, मेरे को बड़ा मज़ा आता है ऐसे मारने में सांप बन के। तो यहाँ पर हमारा किल चोरी हो जाता है बाबा जी, कोई बात नहीं। अरे 1 HP बच गई, हेलमेट हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है गाइस, और हेल्थ भी हमारी बिल्कुल लो है। लेकिन अच्छी बात है कि हमने बहुत अच्छी लीड बना रखी है, तो आज हमें विक्टोरी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। 5 की 4 की स्ट्रीक, ओके हाँ 5 की हो गई सॉरी, और ये 6 की हो गई हमारी लीड, हमारी 14 की लीड चल रही है। नाइस नाइस नाइस, ओहो सर जी ऐसे कैसे। हमारी 7 की स्ट्रीक हो गई गाइस, और ये हमारी 8 की स्ट्रीक हो जाती है। ओके ये हमारा किल चोरी हो जाता है, कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं, हम कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ सर हबीबी हबीबी बोलना आता बस अरबी में हमें, और कुछ तो बोलना आता भी नहीं है। तो भाई को डांट भी नहीं सकते कि यू आर चुराइंग माई किल। तो ये वो दोबारा से पिंक अच्छे वाले भैया आए, और ये पिंक अच्छे वाले भैया गए, और मुझे लग रहा है अभी मैं मरने वाला हूँ गाइस, मुझे लग ही रहा था कि मैं ओके कितना फ़नी तरीके से नीचे गिरता है बंदा है ना गाइस। और फिर हमने दोबारा डाउन किया उन्हीं भैया को, बदला लिया, और फिर लेट के दोबारा इन भैया को डाउन किया, लेकिन फिर से हमारा किल चोरी हो गया। नहीं मतलब क्या, किल चुराने में क्यों मज़ा आता है सर आपको इतना? और अभी मुझे लग रहा है मैं दोबारा मरने वाला हूँ, मुझे लग रहा है गाइस, मुझे फीलिंग आ रही है मैं मरने वाला हूँ। 3 तक गिनों में मर जाऊँगा, 1, 2, 2.5 से थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, 3 होने वाले थे गाइस, 3 देखा बस हो जाते बस, लेकिन बच गया बस, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता ना 3 पूरा हो जाता, बट 3 हुए नहीं, देख लो मेरी बात ठीक निकली। फिर हम अपने बम को ज़मीन पे घिसते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 3 किल चाहिए गाइस हमें, और गैस करो कितने किल होंगे गाइस हमारे, आपको गैस करना पड़ेगा जल्दी जल्दी जल्दी, कितने किल हैं हमारे?
ओके पॉज करके, बस पॉज कर दो। तो देखते किसका तुक्का ठीक लगा। और ये किल हमने देखो फिर से हमारा चोरी हो गया गाइस। किल नहीं मतलब क्या नहीं, कितने किल चुराएंगे सर आप हमारे, कितने असिस्ट 7 ओके 21 किल 5 हम 5 बार हम मरे थे गाइस। वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना, मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। और प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना गाइस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। लव यू दिल से एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।